अब मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ जैसे यहाँ के पहाड़ के लोग हैं वो पहाड़ के लोग यहाँ छोड़ छाड़ के सब मदेश में जा रहे हैं घर बनाने बैठे हैं और मदेश के जो तो लोग हैं वो वहाँ का बेच बाज के काठमांडू जा रहे हैं काठमांडू वाले जो लोग हैं वो अपना बेच बाज के विदेश जा रहे हैं ऐसे है। लोगों के आप लोगों को आप क्या कहना चाहते है मतलब पहाड़ में रहो जो जा रहे है वो अपना सुविधा देखते है यहाँ के लोगो ने देखा की मदेश अच्छा है मदेश वालों ने कहा की काठमांडू अच्छा है काठमांडू वालों ने कहा कि विदेश अच्छा है के लोगों में तो दिमाग नहीं ना यहाँ सोना चांदी तो यहाँ है यहाँ का आदमी कभी बीमार नहीं होता कभी भूखा नहीं मरता कभी बाध्य नहीं होता चौबीस घंटा ट्वेंटी फोर आवर्स अपनी मर्जी से चलता है और खाता पीता ऐश करता है बीमारी नहीं होता तो फिर विदेश क्यों जाएगा मरने के लिए वहाँ तो बाध्य होता है विदेश अमेरिका नेपाल में आके बैठने के लिए आतुर आतुर है हो रहा है यहाँ का यहाँ का जो है ना हवा पानी यहाँ का खान पान कोई चीज़ की परेशानी नहीं है जहाँ किसी चीज़ की परेशानी नहीं है और अच्छा ही अच्छा जहाँ होता है और खुशी खुशी है कभी बीमार नहीं होता कभी भूखा नहीं मरता कभी बोरियत नहीं होता हाँ ये है कि लगानी लगाने के बाद और कल कारखाने और जैसे जो है कि उद्योग धंधा के लिए अगर लगानी अगर लगा सको तो यहाँ क्या चीज़ पैदा नहीं होगा सब चीज़ होगा सुदूर पश्चिम के अंदर जो भी पानी लोग पीते हैं यूज करते हैं उसको फिल्टर करने की किसी किसी जगह तो ऐसा है कि फिल्टर करने की जरूरत ही नहीं hmm. वो खुद ही अंडरग्राउंड पहाड़ों की चोटी के अंदर अंडरग्राउंड से होते हुए आता है hmm. हम लोग जो खाते पीते हैं उसका फिल्टरिंग कहाँ होता है फिल्टर होता ही नहीं कभी बीमार होता आदमी नहीं होता है जिसको फिल्टर करके खाता है उसमें तो कचड़ा होता है hmm. एकदम एकदम कचड़ा पानी दिल्ली में चलता है hmm. हम उस जगह बैठते थे दिल्ली में जिस जगह हरिद्वार से डायरेक्ट पाइप आता है और गर्मी के दिनों में दिल्ली में कितनी गर्मी होती है गर्मी दिनों में भी अगर टूटी के नीचे अगर आधे घंटे नहाने लग गया तो वहीं ठंड के मारे हालत खराब हो जाती हरिद्वार का वो क्या कहते हैं हरिद्वार का जो डायरेक्ट लाइन आया हुआ है यहाँ दिल्ली में हमारे हमारे नेपाल में हाँ, जगत गुरु जगत ने, गुरु नेपाल की जगत गुरु है जगत गुरु कृपा नेपाल आ, के जगत गुरु है तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा था कि नेपाल का जो ये महाकाली नदी है कर्णाली नदी है है ना मतलब जितनी चौदह पंद्रह नदियां है ना नेपाल में वो सारी जितनी भी नदियां है सारे हिमाचल आई हुई है <laughs> तो मतलब जो सब हिमालय के हिमालय के तो यहाँ के लोग जो नहाने के लिए मतलब यहाँ के मंदिरों के मतलब बर्तन धोने के लिए भराठ के करने, करने, धोते बोलते है न शुद्धिकरण के लिए कहा जाते हैं हरिद्वार में जाते, जाते हैं हरिद्वार जाते हैं तो उनका कहना यह था कि हरिद्वार से भी मतलब जो है शुद्ध स्थान यही है तो यही आप यहाँ के लोग जाते हैं कि वैसे बनाया गया है ना सारी जगह का तीर्थ स्थल हरिद्वार में होता है हिंदू धर्म का तो हरिद्वार जाके शुद्ध होके आता है हरिद्वार से भी अच्छा पानी हरिद्वार से भी अच्छा हिसाब किताब यहाँ है तो हरिद्वार का जो हरि का पौड़ी बोलते है ना हरि का जगह तो सारी जगह है सारी दुनिया में हरी है हरी, हरी हरी के रहने के स्थान तो पता नहीं उसके तो कितने नाम है कितनी जगह उसका ठिकाने हैं कितनी जगह उनके हिसाब से बैठे हुए हैं तो यही सारा कुछ है तो हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है इसी जगह कहा गया है अयोध्या भी यही है सब कुछ यही है भगवान राम का जन्म भी यही हुआ था नहीं। तो हरिजा जाने की क्या जरूरत है अगर कोई इंडिया का नेता है वो जीत के आ गया और नेपाल की राजनीति में दखल देगा तो क्या होगा नेपाल की राजनीति में दखल पहले तो उसको देना नहीं चाहिए नहीं। जब दखल देगा तो उसको ये देखा जाएगा कि किस लिए क्यों दखल दे रहा है वो पूछेगा ना बोलेगा ना इस वजह से कर रहा हूँ उसके बाद विवाद होगी उससे पहले क्या कहेंगे तो ग्रेटर नेपाल नेपाल को क्या नेपाल उसके बाप का घर है क्या या उसने बनाए रखे हुए है क्या नेपाल में दखल देना इंडिया का क्या मतलब है वॉट इज दिस प्रॉब्लम नेपाल का नेपाल के बारे में इंडिया को क्या प्रॉब्लम है क्या तू ठेका लेके इसको नेपाल को बना रहा है तू पाल रहा है या तेरा हिसाब किताब है या तेरी वजह से हम खा रहे हैं या तेरे ग़ुलामी करना चाहे हम या तू हमें ग़ुलाम बनाना चाहता है क्यों क्यों बनाना चाहता है क्या तू हमारे को क्या समझता है चूंकि इतना बढ़िया है क्या भीख मांगे तो तू खाता है सारा दुनिया से और तू हमारे हमारे को गुलाम बनाने के लिए हमारा दखल देने के लिए आया तो पहले अपना देश बना या नेपाल में दखल देने के लिए कोशिश करेगा तो फिर ऑप्शन पर्सनल पूछा जाएगा ना किस बेसिस पर उसके बारे में फिर हम उसको निपटेंगे ना फिर उससे तो हम फिर निपटेंगे ना क्या अभी क्या कहें क्या, क्या एक घर थोड़ी है कि मेरा घर है मेरे बाप का घर है मैं जो मर्जी कर हूँ नेपाल कोई डब्बा है क्या नेपाल कोई कस्बा है क्या नेपाल कोई गांव है क्या एक देश है नेपाल देश की हालत ख़राब कर देना है क्या इंडिया का तूने क्या ऐसे समझ रखा है क्या ये सोचने से पहले कर्म करने से पहले पहले सोचो उसके बाद विचारो, बिन विचारे जो चले सो से पसता है समझदार को इशारा होता है अगर कोई दखल कोई नेपाल के लिए ऐसी वैसी बात करने की कोशिश किया तो फिर भविष्य बुरा नतीजा निकलेगा इसके बारे में तो फिर सोचा जाएगा बाद में क्या होगा सोच के 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 समझ विचार बात करना चाहिए, yes. एक नेपाल में बेलूबाजी नाम के प्रसिद्ध आदमी थी मतलब भैरल थीरल सब थी। पहचानते थे उनको तो उनका देहांत हो गया देहांत हो गया तो कोई कोई लोग आपको देखते हैं ना वीडियो में तो बोलते हैं इनको मतलब बेलूबाजी की कुर्सी में बैठा दो तो नहीं है ये उसी की तरह हिसाब किताब जैसा लगता है ऐसा तो बोलती बाजे की कुर्सी में बैठा दो ऐसा बोलती है। अच्छा आ, हैं अच्छा तो बाजे का हिसाब किताब जो अच्छा था आ, क्या उस तरह मेरा मेरा उससे भी अच्छा है कि और उसी तरह का है क्या मुझे उसमें बैठाना चाहते हो बाजे क्या था कैसा था कैसा लगता था अगर हमारा हिसाब किताब अगर नेपाल के बारे में हम कहें तो हमारा कैसा लगता है हम तो नेपाल के बारे में नहीं इंडिया से लेके नेपाल तक का जितना भी है ना एरिया सारा टटोल ठान मारते हुए बना देंगे बेलूबाजे ऐसे नेपाल इंडिया के बारे में थोड़ी बोलते थे <laughs> तो वो उसी गाली से प्रसिद्ध हो गई नेपाल में तो मतलब वो बेलूबाजे मतलब ऐसे थे कि मतलब हंसाते थे बस तो आप कैसे हैं बोल के पूछते हैं लोग आप हंसाने वाले बेलूबाजे जैसे है कि सच में रियल में ग्रेटर नेपाल बनाने वाले हैं कि बोल के पूछते हैं ग्रेटर नेपाल बनाने के लिए जो कह रहे हैं ना हम तो अपने नेपाल के अंदर अपने नेपाल की प्रशंसा करना हमारा तो धर्म है ना अपने नेपाल की बढ़ोतरी नेपाल में कहाँ क्या है कहाँ क्या है किस जगह क्या चीज़ है वहाँ बाहर का आदमी भी देखने के लिए आ सकता है अच्छा चीज बना अच्छा चीज़ वहाँ का प्रसन्नल हुआ तो अच्छा एरिया अच्छा पर, पर्यटक है करके तो दुनिया देखने के लिए जाता है ना आपको क्या कहना चाहते हैं आप बहलूबाजी जैसे है यहाँ मतलब सच में कुछ करना चाहते हैं हम तो हकीकत बनाना चाहते हैं नेपाल के अंदर ऐसा ऐसा, ऐसा पर्यटक बनाए ऐसी जगह बनाए और कोई मतलब जो है ना जैसे गरीब नेपाल बोलते हैं या कोई चीज़ का उत्पत्ति नहीं है व्यापार नहीं है कोई कल कारखाना नहीं है आपका कहना है यहाँ सब कुछ है सब कुछ होना चाहिए व्यापार होना चाहिए यहाँ अगर व्यापार हो बेरोजगार आदमी को रोजगार मिले तो आदमी बाहर क्यों जाएगा अपने देश में व्यापार करेगा तो क्या देश की उन्नति एक के? वीडियो जो आपने कहा था ना सब लोग बाहर जा रहे हैं एक एक वक्त नेपाल में के, बाहर के लोग नेपाल बाहर के लोग नेपाल नेपाल में में आएंगे आएंगे तो दूसरे का कहना मानोगे दूसरे के पास जाओगे उससे उसके किसी के अंडर में काम करने से तो किसी के अंडर में न रहते अपने देश को अपने आप संभालो ना अपना देश अपने आप बनाओ अपने देश में कोई उन्नति कोई कारोबार कोई बिजनेस कोई धंधा कोई मतलब व्यापार अगर ऐसा करोगे तो अपने देश की प्रशंसा होगी ना अपने देश के लोगों को खुशी होगी अपने देशों को रोजगार मिलेगा अपने देश के पब्लिक को सारा कुछ मिल जाएगा तो बाहर का भी लोग देखने के लिए आएगा उसको अच्छा लगेगा वो भी करेगा तो वो भी रहेगा तो आपका कहना है पहाड़ छोड़ के जो तो मदेश जा रहे हैं मदेश जाने से अच्छा है लिपू लेक में जाके बैठना लिपू लेक जाओ मदेश जाओ कहीं भी जाओ हाँ। लेकिन जिस जगह पर है जिस जगह नेपाल में हो ना तुम नेपाल में कहीं भी कुछ भी करना चाहो तो अगर लगानी है तुम्हारे पास अगर गवर्नमेंट का हिसाब किताब अगर कुछ करता है तो बनाने के लिए तो आइडिया तो हमारे पास इतना इतना है कि लगानी लगाने के लिए पैसा चाहिए पैसा अगर मिलेगा आइडिया आप दोगे हाँ तो बिल्कुल